भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन अपने गृह जिला सुपौल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। जिला मुख्यालय के आरके पैलेस होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद इसे अपनी जागीर समझते हैं, जबकि भाजपा इस बार सदस्यता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को जोड़ रही है। वही उन्होंने कहा कि सुपौल उनका जन्मभूमि है तो भागलपुर कर्मभूमि है, इसके विकास के लिए मरते दम तक वे कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1478 करोड़ की लागत से विजय घाट पुल और डुमरी पुल के मध्य एक नया पुल का निर्माण जल्द होगा, ताकि भागलपुर से सीमाई इलाके के लोगों को आगमन की परेशानी से मुक्ति मिल सके। इस बार NDA गठबंधन के तहत भागलपुर सीट जदयू के हिस्से में चली गई है, किंतु उनसे जो भी बनेगा भागलपुर के लिए हमेशा करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल इसे भागलपुर से अलग नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4 लेन की सड़क और पुल नौगछिया और भागलपुर के बीच स्वीकृत हो चुका है। इस रास्ते पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस सड़क को मिसिंग लेन बना दिया था, लेकिन NDA गठबंधन सरकार केंद्र में आते ही इन सभी मिसिंग लेन को बनाया जा रहा है। जहाँ सड़कें नई बनती गई हैं, वहीं पुल का भी निर्माण हो रहा है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 भारत। धन्यवाद।